कंपेयर करेंगे यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, -3.4 जब वी वेर -7.3, मतलब कम हिट हुआ, ज्यादा हिट उनके ऊपर नहीं हुआ। उनका 2021 का जहां हम 9% में है वो 5.6% में। रिकवरी भी धीरे चल रही है उनका, हमारा रिकवरी अच्छा चल रही है। आने वाले साल में 22 में जहां हम 9% है वो 4% है। नहीं नहीं, को कंपेयर करने के लिए क्षमता रखना चाहिए सर। जब डेटा उनके मन में जो विचार है उसके अनुसार नहीं है तो मुझे चिल्ला चिल्ला करके मेरे आवाज को दब करने के लिए कोशिश, सुनने का क्षमता मैच्योरिटी दिखता है। अगर सुनने का क्षमता नहीं है, यू नो व्हाट आई वांट टू से। सो यूएस में ग्रोथ जब -3.4 हुआ, हमारा -7.3 रहा। मोदी आयले असा सगळ्यांना विनंती करता की सगळ्यांनी ताळी मारून त्यांच्या हंगासर स्वागत करजे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, बोला भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी हम आता मगता तुम्हार सगैंस वतीन, आम देश पंतप्रधान सगैंस लड़के श्री नरेंद्रजी मोदी हम जाहिर स्वागत करता। तुमका मगता कि ताळी मारून तुम्हें सगैंस हंगर स्वागत करचे। हम आता मगता हम गोय राज्य मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हैं लगी कि हंगा अपने उलोप कर दोतर प्रमोद सावंत। परत एकदा हाँ तुमका सगळ्या जणांक रिक्वेस्ट करता, दोनों हाथ वैर करून माननीय मोदी जी चे तुम्हें स्वागत करपाक जाय। भारतीय जनता पार्टी चा, भारतीय जनता पार्टी चा माननीय नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, माननीय मोदी जी आप आगे बढ़ो। हमें परत एकदा आयच्या या सभेक हम माननीय मोदी जी चे स्वागत करता। आणि हम तुमच्या मधी चढ वेळ उलोचो ना, हाँ फक्त थोडक्यानूच तुमका सांगपाक आयला। गोयात नवी सकाळ करपाक आमका कोणाचीच गरज ना, तेका गोयचे तरणाटे जे आसा हे समर्थ आसात। हांगा फट फट फटींगपणा चलची ना, गोयचे तरणाटे गोयकारपणाय शाबूत दवरपा खातीर साबूत आसात हे आमी दाखोवन दितले। काँग्रेसीची फटींगपणा आमी खूब ते पळयल्या, त्या खातीर राहुल गांधी हांगा येयलो म्हणून कांयच फरक पडचो ना। देची सभा कितल्याची झाल्या ती तुम्ही पळयल्या, आणि आज म्हापशातल्या या विराट सभेक माननीय पंतप्रधानांचे स्वागत तुम्ही करता। आणि हे निश्चित जाता की 2022 वन मिशन वन गोल, वन मिशन वन गोल निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचो जो संकल्प आसा 22+, आणि त्याच संकल्पाच्या बरोबर आम्ही जे संकल्प पत्र तुमका दिला तितूर 22 संकल्प सोडल्या। त्या 22 संकल्पान पहिलो संकल्प जो आमचो आसा तो आम्ही जाणट्यांची पेन्शन जी मनोहरभाई पर्रीकरान सुरुवात केली 500 रुपया पासून ती 2000 रुपयाचेर पावले, ती आज 3000 रुपया वरता। एप्रिल महिन्यातल्यान ती 3000 रुपया पेन्शन जातली, हे भारतीय जनता पार्टीचे उतर असा। दुसरी गजाल, आम्ही जे संकल्प पत्रात आमच्या म्हटला की आम्ही निश्चित रित्या सांगला हंगासर आशिल्या माझ्या गृहिणीक आधार दिवपा खातीर गृहिणी आधार तर चालू असतलीच असतली, बट एप्रिल महिन्यातल्यान आम्ही प्रत्येकाक
वर वर तीन सिलिंडर फ्री दिवपाचे जे केला ते एप्रिल महिन्यातल्यान चालू जातले वो आमचो संकल्प आसा। सामान्य गोयकाराक आपले घर आसपाक जाय प्रत्येकाक दिसता, गावान रावता त्या गोयकाराक आसतलो, शहरान रावता त्या गोयकाराक आसतलो, बट या महागाईच्या काळात ते घर बांधपाक परवडत आशिले। प्रधानमंत्री आवास योजना तर असाच असा माननीय पंतप्रधानांनी आमच्या खातीर सुरुवात केल्या, पण माझ्या हर एक गोयकाराचे घर जावचे हे त्याचे स्वप्न साकार जावचे म्हणून गोय सरकारान सरकारी नोकरांक तर असाच असा बट सरकारी नोकराच्या व्यतिरिक्त सामान्य गोयकार जो घर बांधतलो त्याका 2% हे महिलांच्या खातीर आणि 4% हे पुरुषांच्या खातीर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 एप्रिलातल्यान चालू जातले। आणि इतकेच नाही तर त्याचबरोबर त्याका आम्ही प्लॉट सुद्धा म्हणजे जे अंडर जे इलिजिबल असतात त्यांच्या खातीर प्लॉट दिवपाचेय काम हे आमच्याच सरकारान करपाचे असा। जे आज पर्यंत सामान्य गोयकाराक आपले घर नाशिले त्याका घर बांधपाचेय काम आम्ही केला। निश्चितच रित्या मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी हो निधी आम्ही सुरुवात करता जेणेकरून इज ऑफ डुईंग इज जेणेकरून आम्ही पळयता की प्रत्येक पंचायतीन आमका प्रत्येकाक सगळ्यो गोष्टी उपलब्ध जावच्यो म्हणून पंचायत असतली किंवा म्युनिसिपालिटी असतली 3 कोटी आणि 5 कोटी रुपया जे असा हे आम्ही त्या पंचायतीक आणि म्युनिसिपालिटीक लोकां खातीर दिता। आतापर्यंत आम्ही पळयताले की खणीचेर प्रत्येक फावटी माइन्स या विषयाचेर सगळे उलयताले, अरे ज्या दिगंबर कामतीक गोयच्या मायनिंगेची वाट लायली, ज्या दिगंबर कामतीन गोयच्या आर्थिक स्थितीची वाट लायली त्या दिगंबर कामतीक हांव सांगपाक सोदता मायनिंग तू चालू करू शकना, मायनिंग जर चालू करतले आसात जाल्यार ते फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मोदीजींचो आमकां आशीर्वाद आसा। आणि म्हणून तर मायनिंग कॉर्पोरेशन आम्ही फॉर्म केले आणि केंद्र सरकारान मायनिंग डंप पॉलिसी काढली ताच्याच अंतर्गत फुडल्या 6 महिन्या भितर पुराय गोयात मायनिंग चालू जातले हे भारतीय जनता पार्टीचे उतर असा। गोय हे एक नावाजलेले पर्यटन स्थळ जावचे आणि ते फक्त येल्लो पर्यटन आमचो बिचारूच उरचो न्ही तर येल्लो पर्यटक आमच्या गावांनी वयचो, इंटरलँड पर्यटन हे डेव्हलप जावचे म्हणून तर स्पिरिच्युअल पर्यटन असतले, मेडिकल पर्यटन असतले आणि गावा गावातलो जो आमचो गोयकार या पर्यटना खातीर आपल्या ज्यो सुविधा उपलब्ध जाय त्याका 5 लाख रुपया पर्यंतचे कर्ज देऊन सगळ्या पर्यटकांक पुराय गोय दाखवचे हाज्या खातीर वैशिष्ट्यपूर्ण अशी गोयची पर्यटक योजना जी असा ही आम्ही गोयकारा खातीर जाहीर केल्या हे तितकेच महत्वाचे असा। आम्ही हे सगळे सांगता असताना गोयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फुटबॉल मैदान जावचे कारण गोय म्हणजे फुटबॉल हो गोयकारा खातीर प्रिय असा, गोयात आंतरराष्ट्रीय तरेचे फुटबॉल मैदान जावचे आणि फुटबॉल कोचिंग सेंटरही जावचे हो भारतीय जनता पार्टीचो संकल्प असतलो आणि फुडल्या वर्षा पर्यंत तो आम्ही पुरायूय बी करतले। आणि हे सगळे करता असताना एड्युकेशन क्षेत्रातूय बी गोय फाटी उरचे ना, अत्याधुनिक आम्ही संशोधन केंद्र हे गोयात जावचे, आज IIT असा, आज NIT असा, नॅशनल सायन्स फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी असा आणि त्याचबरोबर इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हे असा, हाज्या बरोबर आम्ही पळयता की गोयात अत्याधुनिक संशोधन केंद्र जावपा खातीर केंद्राच्या सहकार्यात ते जातले आणि खऱ्या अर्थात गोय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे व्हिजन आम्ही म्हणता की नव भारत निर्माण करप, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करप, स्किल इंडिया असतले, मेक इन इंडिया असतले, फिट इंडिया असतले, क्लीन इंडिया असतले, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना असतल्यो, केंद्रातली हर एक योजना, राज्यातली हर एक योजना अंत्योदय तत्वाचे लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर आणि गोय स्वयंपूर्ण करपा खातीर देव बोडगेश्वराच्या कृपेत मनोहरभाई पर्रीकरांच्या स्वप्नातले भांगराळे गोय आणि आम्ही पळयता ते स्वयंपूर्ण गोय माननीय मोदीजीच्या आशीर्वादात आज पर्यंत आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केले, आम्ही ह्युमन डेव्हलपमेंट केले आणि 2022 गोय समृद्ध करपा खातीर स्वयंपूर्ण करपा खातीर समस्त गोयकार पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले आणि 2022 परत एकदा 22+ सीट घेऊन समृद्धीकडे वचपी सरकार आमकां मेळटले। हांव इतकेच सांगता आणि माझी 2 उतरां पुराय करता, देव बरें करूं।
देव बरे करू दोतर प्रमोद सावंत ज्यांच्या विचार ऐकुपा खातीर आणि मार्गदर्शना खातीर आम्ही सगळे गोयकार उत्सुक असत ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्या लागी मागता की त्यांनी आपले हंगासर उलोप करचे आमचे देशाचे पंतप्रधान तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आणि आमचे श्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्या लागी मागता की त्यांनी आपले हंगासर उलोप करचे नमस्कार। गोवा के भविष्य निर्माण के लिए चुनाव में दिन रात मेहनत कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी और गोवा के प्रबुद्ध भाइयों और बहनों, उत्तर गोयंतला मोगाळ गोयकारांक येवकार। चौदह फेब्रुवारीक भाजपाक मत देऊन गोयचो फुडार परजेवूत करपाचो हावेस तुम्ही बागेला। आत्मनिर्भर भारता वांगडा स्वयंपूर्ण गोय करपायचा तुम्ही थारायला। तुमचे सपन पुराय करपाचे उतर हाव तुमका दिता। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यहां मंच पर आने से पहले मुझे मापुसा के संरक्षक अंगवाणी बोड़गेश्वर जी के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं देव बोड़गर जी के प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी के कल्याण में उनके आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करता हूं। वाकई गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। यहां की हवाओं की बात ही कुछ ऐसी है। गोवा इतने बुलंद स्वर में विकास और बीजेपी की बात कर रहा है कि उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही है। गोवा ने यह ठान लिया है कि विकास की इस लहर को, सुशासन की इस लहर को धीमी नहीं पड़ने देना है। प्रमोद सावंत जी के युवा नेतृत्व में गोवा के गोल्डन भविष्य के लिए विकास की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। 14 फरवरी को गोवा में एक बार फिर एक एक मतदाता कमल खिलाने के लिए भारी मात्रा में मतदान करने वाला है। मैं गोवा बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को भव्य विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब भी मैं गोवा आता हूं
तो मेरे मित्र मनोहर पर्रिकर जी की कमी हमेशा खलती है। आप गोवा वासियों को तो उनकी कमी और भी ज्यादा महसूस होती होगी। मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय फ्रांसिस डिसूजा जी, जिनके साथ काम करने का भी मुझे अवसर मिला, इनका भी स्मरण करता हूं। फ्रांसिस डिसूजा जी गोवा संस्कृति और भाजपा के विचारों के सच्चे प्रतिनिधि रहे। साथियों, देव बोड़गेश्वर की मुझ पर असीम कृपा रही कि मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पलों में गोवा की धरती को इतना निर्णायक बनाया। आज जो आप मुझे जिस रूप में देख रहे हैं ना, जहां मुझे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत गोवा से हुई थी। जून 2013 में यहां भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी और जून 2013 में जब मैं गोवा की इसी धरती पर था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा के चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किया था। फिर बाद में मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था। गोवा की इसी धरती से निकली प्रेरणा थी कि हां, आप लोगों से बात करते हुए उस दिन हमारे पर्रिकर जी ने मेरी यहां एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में मेरे मुंह से सहसा सहज रूप से एक शब्द निकला था। वो शब्द था कांग्रेस मुक्त भारत। ये शब्द गोवा की धरती से ही यहां के पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से सहसा मेरे मुंह से निकल गया था और हमने देखा आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गया है। साथियों, गोवा की अपनी एक खास संस्कृति और पहचान है और गोवा सबको साथ लेकर भी चलता है। जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। भाजपा ने समग्र विकास की बात की, सबके लिए बराबर विकास की बात की, क्योंकि विकास को टुकड़ों में, जाति, धर्म, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। अगर नॉर्थ गोवा का विकास होगा तो साउथ गोवा का गोवा भी आगे बढ़ेगा। अगर साउथ गोवा में काम होगा तो नॉर्थ को भी उसका लाभ मिलेगा। और मुझे बताया गया कि आप जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, साउथ गोवा में भी वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग स्थान पर लोग आज इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं।
मैं साउथ गोवा के भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। इसी तरह अगर जब हम गोवा के पर्यटन की संभावनाओं की बात करते हैं तो उसके लिए गोवा को हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। अगर यहां अच्छी सड़कें नहीं बनती, नई सुविधाएं नहीं बनती तो पर्यटक यहां आना पसंद करते क्या? कोई टूरिस्ट आते क्या? यहां की हालत अगर खराब होती तो कोई आता क्या? इसलिए भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का नया अभियान चलाया हुआ है। गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से मार्सेल और पेडणे में बस डिपो बनाए गए हैं। 3000 करोड़ की लागत से मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है। देश और दुनिया के पर्यटक अब ज्यादा आसानी से गोवा आएंगे, यहां टूरिज्म को गति देंगे। साथ ही इससे गोवा में दूसरे उद्योगों में, व्यापार में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। गोवा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। भाइयों और बहनों, जो काम भाजपा ने किए, जो काम भाजपा सरकार आज कर रही है, उसकी जरूरत गोवा को दशकों पहले से थी। आपको याद होगा, मांडवी नदी पर अटल सेतु का निर्माण हमारी ही सरकार ने पूरा किया। न्यू जुवारी ब्रिज का काम भी शुरू किया गया है। वेरणा इंडस्ट्रियल एरिया में 4 लेन रास्ता बनाया गया है, जिससे पोंडा और मुरगांव का अंतर 12 किलोमीटर से कम हुआ है। इन सब कामों की मांग गोवा के लोग कितने लंबे अरसे से कर रहे थे। इसी तरह केंद्र में भी इसके पहले कितनी सरकारें आई भाई, लेकिन क्या किसी ने गोवा जैसे राज्य को उसका महत्व समझ करके गोवा भारत के लिए बहुत उपयोगी है, भारत को आगे बढ़ाने में गोवा काम आ सकता है, अगर भारत में टूरिज्म बढ़ाना है तो गोवा से बढ़ सकता है, लेकिन ये बातें पहले की सरकार के दिमाग में कभी आई ही नहीं। दिल्ली में बैठे थे, 5-5 दशक राज किया इन लोगों ने, तब जो दिल्ली की कुर्सी पर थे उन्हें गोवा की याद आती थी। लेकिन कब आती थी? वो गोवा कभी याद करते थे? जब उनको सैर सपाटे के लिए यहां चक्कर काटने आता था तब उनको गोवा याद आती थी। लेकिन आज हमारी सरकार सागरमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से गोवा में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, 5000 करोड़ रुपीस। हमने इस तरह की नीतियां भी बनाई
जिनसे गोवा को लाभ हो। इंटरनेशनल पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गोवा के पर्यावरण के लिए, यहां की आबोहवा के लिए केंद्र ने गोवा में 100 से अधिक इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। ये भी टूरिज्म को अनुकूल व्यवहार है, व्यवस्था है। ऐसी ही कितनी ही परियोजनाएं हैं जिनसे गोवा अब गोल्डन गोवा बनने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, गोवा के विकास के लिए भाजपा ने जो किया है उसका एक उत्तम उदाहरण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या है, टूरिस्टों की संख्या है। पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, पर्यटन को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल 365 दिन यहां पर्यटक आते हैं। 2011 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे साल में करीब 25 लाख पर्यटक आते थे, 25 लाख। लेकिन 2019 आते आते ये संख्या 80 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। साथियों, जब हम टूरिज्म पर ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उसका लाभ गोवा वासियों को तो जरूर मिलता है। यहां टूरिस्ट भी आते हैं और गोवा के लोगों को आर्थिक लाभ भी होता है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। साथियों, जब तटीय विकास को प्राथमिकता मिलती है तो बारदे तालुका को भी इसका फायदा मिलना तय है। ये बहुत दुख की बात है कि आज तक कांग्रेस ने कभी बारदे तालुका के बारे में कोई चिंता ही नहीं की। हम सब जानते हैं कि ये तालुका उनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। भाजपा के साथ बारदेज की आकांक्षाओं को हमेशा बल मिलेगा, यहां के लोगों की आशाओं को पूरा करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और साथियों, मैं एक बात और कहूंगा, पिछले 2 सालों में दुनिया में, यानी पिछले 100 साल में जो नहीं आई, ऐसी वैश्विक महामारी, इतनी बड़ी महामारी गत 2 वर्षों से हमें सब मानव जात को पूरे विश्व में जकड़ लिया है। और उसके बाद पर्यटन इंडस्ट्री को कितना बड़ा धक्का लगा, आप सोचिए। अगर ऐसे समय, ऐसे संकट के समय पिछली सरकारों की तरह अगर कामकाज चला रहा होता तो क्या होता? क्या देश आज 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना पाता क्या?
अगर यहां डबल इंजन की सरकार न होती तो क्या गोवा 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन पाता क्या? और मैं प्रमोद जी को बधाई देता हूं, उनकी दीर्घ दृष्टि को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया अगर गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देना है, टूरिस्ट के मन में विश्वास पैदा करना है कि भाई बाकी बगैर ठीक है, गोवा सुरक्षित है, तो मैसेज देने की ताकत है 100% वैक्सीनेशन। और उन्होंने किया, और उसका कारण दुनिया भर के टूरिस्टों को लगता है कि गोवा 100% वैक्सीनेटेड डेस्टिनेशन है। कोई भी टूरिस्ट आने का मन करता है, ये गोवा वासियों की भलाई का काम है। पहले की सरकारों में कैसे भारत वैक्सीन के लिए दुनिया के दूसरे देशों के आश्रय रहता था, हम मांगते रहते थे 30-30, 40-40 साल तक हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता था। देश इस बात को भली भांति जानता है। अगर देश और गोवा वैक्सीनेशन में पिछड़ जाते तो हमारा टूरिज्म कैसे रिवाइव होता, देश की इकोनॉमी कैसे रिवाइव होती। लेकिन आज गोवा का टूरिज्म भी फिर से आगे बढ़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार बजट में हमने एमएसएमई सेक्टर को, छोटे उद्योगों को मदद देने वाली योजना का विस्तार करके उसे 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये सिर्फ कुछ लोग यहां आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भांति भांति के वादे करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं, ये बजट में ऑलरेडी योजना कर दी गई है, बजट पार्लियामेंट में रख दिया गया है। इससे गोवा के पर्यटन उद्योग को और नई ताकत मिलने वाली है। साथियों, हमारे लिए गोवा का अर्थ है जी फॉर गवर्नेंस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड ए फॉर एस्पिरेशंस। जी ओ ए गवर्नेंस के क्षेत्र में तो गोवा देश के लिए एक मॉडल बन करके उभरा है। प्रमोद जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के सभी कर्मचारियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने जो काम किया है वो मामूली नहीं है, अभूतपूर्व काम किया है आपने। क्योंकि मैं भी बहुत साल तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाना है तो कितना दम उखड़ जाता है। लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री तक रहने के बाद मैं कह रहा हूं कि प्रमोद जी आपने अद्भुत काम किया है, आपकी टीम ने अद्भुत काम किया है। हमारे युवा मुख्यमंत्री केवल योजनाओं को शुरू करने की बात नहीं करते, बल्कि प्रमोद जी का लक्ष्य है गोवा के संकल्पों को 100% पूरा करना। वैक्सीनेशन की अभी मैंने बात की, उसमें भी गोवा 100%, स्वच्छ भारत मिशन में गोवा में 100% कवरेज, जल जीवन मिशन के तहत गोवा में 100% कवरेज, गोवा ने बिजली पहुंचाने का काम भी 100%
पूरा किया, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने के मामले में भी गोवा 100% है। इसी तरह गोवा अब 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट पर भी काम कर रहा है। बहुत बड़ा काम है। दुनिया को जब पता चलेगा कि गोवा 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गया है, विश्व के लिए अजूबा होगा और गोवा की चर्चा दुनिया के हर कोने में होगी। ये काम प्रमोद जी कर रहे हैं, ये परिणाम है। डबल इंजन सरकार में गोवा के लोगों के बीच 100% सहयोग का, ये मिलकर किए गए प्रयासों का परिणाम है। मैं यहां के नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूं कि आपने कोरोना जैसे ऐसे विपरीत कालखंड में भी प्रमोद जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी उसको सफल करने में पूरा सहयोग दिया, भागीदारी की। आप सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, जरा आप सोचिए, मैं आज देशवासियों को भी कहता हूं, ये 100% की बात जो है ना, जरा देश के लोग भी सोचे और अपने अपने आपने को बड़े बुद्धिमान कहने वाले और आटे पाटे की राजनीतिक भाषा बोलने वाले लोग, भेदभाव की चर्चा करने वाले लोग, जरा प्रमोद जी ने जो प्राप्त किया है, गोवा ने जो प्राप्त किया है, उसको जरा समझिए। किसी योजना के 100% लाभार्थियों तक पहुंचना, ये केवल कोई सरकारी आंकड़ा नहीं होता है। ये 100% पहुंचने का मतलब होता है ये भाजपा के सिद्धांतों का, उसकी कार्यशैली का एक जीता जागता उदाहरण है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है किसी से भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना। 100% का मतलब यही होता है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है तुष्टीकरण की सारी संभावनाओं को खत्म करना। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है कि उसे मिलेगा उसे नहीं मिलेगा इस स्वार्थ भरी राजनीति की भी समाप्ति। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है कि धर्म जाति के आधार पर योजनाओं को बांटने की संभावना ही खत्म हो जाती है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूट न जाए। यही तो है सबका साथ सबका विकास। आजादी के बाद जो राजनीतिक दल दशकों तक सत्ता में रहे उन्होंने लोगों को इस बात पर बांटा कि कुछ को ये मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। यहां से बूथ में से मुझे वोट मिले थे तो मिलेगा, वहां बूथ में से वोट नहीं मिले थे तो उनको लटका के रखेंगे। 100% जब होता है ना तो सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। मेरा तराया तेरा, कोई भेदभाव नहीं रहता है। और गोवा ही है जो देश को भेदभाव से मुक्ति का संदेश देने की ताकत रखता है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी उनका यही रवैया रहा। योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक पहुंचाना उनकी ऐसी ही बांटने वाली नीतियों का जवाब है। इसलिए मैंने लाल किले से मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही थी।
100% लाभार्थियों तक पहुंचने, शत प्रतिशत कवरेज की बात कही थी। जब सरकारी मशीनरी इस नियत से काम करे कि उसे शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना है तो फिर पक्षपात, भेदभाव, मेरा पराया कुछ भी टिक नहीं पाता। जब हम 100% का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, गरीब, ना किसी धर्म का कोई व्यक्ति छूटता है, ना किसी समाज का। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा प्रमाण है, और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। और मैं दो कदम आगे जाकर के कहना चाहूंगा कि 100% का मतलब ही होता है कि सच्चे अर्थ में सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, 100%। इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या हो सकता है? आज देश में गोवा की पहचान बन गई है कि गोवा किसी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ता। ऐसा ही है ना, गोवा का आधा अधूरा को छोड़ते नहीं है ना। गहरे समंदर के किनारे रहने वाले गोवा के लोगों की पॉलिटिकल समझ भी उतनी ही गहरी है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस कभी गोवा के पॉलिटिकल कल्चर, गोवा की आशाओं, गोवा के आकांक्षाओं, गोवा के नौजवानों के सपनों को कभी समझ ही नहीं पाई। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, गोवा के लोगों के जो दुश्मनी का भाव गोवा के लिए उन्होंने रखा है, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत सी बातें हैं जो इतिहास में दबोच करके रख दी गई है, दबा दी गई है, सत्य आप तक पहुंचे नहीं, इसके लिए बहुत खेल खेले गए हैं, 5-5, 6-6 दशक से ये हुआ है। आपको देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने संसद में, पार्लियामेंट में गोवा का जिक्र किया था, कैसे कांग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था। मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाइयां बताई थी। बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि गोवा भारत की आजादी के भी 1.5 दशक बाद आजाद हुआ था। 15 साल ज्यादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के पास फौज थी, सेना थी, हमारी मजबूत नेवी थी। कुछ घंटे में जो काम हो सकता था वो कांग्रेस ने 15 साल तक नहीं किया। गोवा के लोग अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे, सत्याग्रही गोलियां खाते रहे, अत्याचार सहते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था, और आज आप उनका भाषण YouTube पर जाकर के सुन सकते हैं। लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे सत्याग्रहों की मदद के लिए वो फौज नहीं भेजेंगे,
मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना है तो मरो, जीना है तो जीनो, ये तरीका। गोवा को लेकर कांग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है। यही कांग्रेस आज आपसे वोट मांग रही है। कांग्रेस हमेशा राज्य को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलती आई है। कांग्रेस का जब मन चाहा यहां की सरकारों को अस्थिर कर दिया। इसलिए आज एक तरफ विकासवादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्थिरतावादी कांग्रेस है। आज एक तरफ प्रमोद सावंत जैसे युवा और ईमानदार नेता है और जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं मैं तो मुख्य मित्र हूं, अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मुख्य मित्र के रूप में ही वो पहचान कराते हैं और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं। दूसरी ओर वो चेहरे हैं जिनका भ्रष्टाचार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए गोवा की चॉइस बिल्कुल साफ है, गोवा भाजपा के साथ है। साथियों, गोवा के लोग इन दिनों कुछ नए चेहरों को भी देखकर हैरान है। वो देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल गोवा को अपनी व्यक्तिगत और सियासी महत्वाकांक्षाओं का लॉन्च पैड मान रहे हैं। ऐसे दलों को गोवा के लोगों की भावनाओं का अता पता ही नहीं है। गोवा के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो गोवा वासियों के लिए, गोवांकर के लिए जीने वाली, जूझने वाली, काम करने वाली सरकार हो। ऐसी सरकार जो लोगों का इस्तेमाल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करे, वो गोवा के लोग कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। किसी के स्वार्थ की भरपाई के लिए गोवा की धरती नहीं काम आ सकती। भाइयों बहनों, इनके पास एजेंडा नहीं है, विजन नहीं है, इनके पास गोवा की समझ भी नहीं है। यहां आ तो गए लेकिन इन दलों को समझ नहीं आ रहा है कि वो घोषणा क्या करे। इसलिए भाजपा के ही कामों को वायदों के नाम पर दोहराया जा रहा है। गोवा के लोग भी इनकी सच्चाई जान चुके हैं। गोवा के लोगों ने इन दलों से स्पष्ट कह दिया है कि आपकी हिंसा, आपके दंगे, आपकी गुंडागर्दी अपने तक रखिए, गोवा को शांति से प्रगति के रास्ते पर चलने दीजिए। साथियों, आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में हमने देश में सरकार चलाने के कई मॉडल देखे हैं। हमने कांग्रेस की कार्य संस्कृति भी देखी है, हमने कम्युनिस्टों का खेल भी देखा है, हमने वंशवादी पार्टियां भी देखी है, हमने परिवारवादी पार्टियां भी देखी है, हमने जाति और समुदाय विशेष की पार्टियां भी देखी है, हमने व्यक्तिवादी पार्टियां भी अब देख रहे हैं और हमने बीजेपी को भी देखा है, बीजेपी को परखा है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। देश का कल्याण, देशवासियों का कल्याण भाजपा के मूल आदर्श है। हमारे लिए सत्ता व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि
यह सेवा का एक अवसर है। भाजपा को दिया गया हर वोट विकास को दिया गया वोट है। भाजपा को दिया गया हर वोट स्थिर सरकार के लिए, स्थिर गोवा के लिए दिया गया वोट है। प्रगतिशील गोवा के लिए दिया गया वोट है। गोवा के सपनों को पूरा करने के लिए दिया गया वोट है। और जब आप विकास के लिए वोट देंगे तो आपके हर एक वोट से गोवा समृद्ध बनेगा, गोवा गोल्डन गोवा बनेगा। मेरा भाजपा के कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह है, आप लगातार कड़ी मेहनत करना जारी रखें। मैं जानता हूं कि आप लोग मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं से ही मुझे भी प्रेरणा मिलती है। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और गोवा जल्द ही जल्द गोल्डन गोवा बन के रहेगा। गोयचो फुडार तुमच्या हातात सुरक्षित रावतलो। भाजपाचेर तुम्ही विश्वास दवरला, असोच विश्वास या फुडे दवरतले। आणि 14 फेब्रुवारीक तुमचे मोलादिक मत परतून भाजपा कुछ दितले असो विश्वास हाव बागीता। देव बरे करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सगळ्यांना मागता की सगळ्यांनी आपल्या जागेवर उभे राहून आमचे नरेंद्रजी मोदी यांचे प्रत्येक फौड अभिनंदन करचे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी चा नरेंद्र जी मोदी आप आगे बढ़ो। प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो। जिकतले भारतीय जनता पार्टी चा समस्त गोयकारांच्या वतीन हाँ प्रधानमंत्री आणि आमचे नेते श्री नरेंद्र जी मोदी आज मुद्दा आयले आमका सगळ्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर। ताका लागून त्यांचे आभार मानता। माचे वयले सगळे मानेस्तांचे आभार मानता। तुमच्या सगळ्या गोयकारांचे आभार मानता। सगळे मीडिया प्रेस यांचे आभार मानता। तुमका सगळ्यांक मनाकाड जातला देव बरे करू म्हणता। 14 फेब्रुवारीक भारतीय जनता पार्टीक आणि कमळाक मत दिवचे अशें मागता। सगळ्यांक मनाकाड जातल्यान देव बरे करू। देव बरे करू। अरे मोदी है तो मुमकिन है।